हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिक्स फ्लेवर्स किचन। आज हम बनाएंगे काजू मसाला। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। काजू मसाला मैंने बनाने के लिए मैंने लिए हैं फ्राइड अनियन। ये मैंने 3 अनियंस को फ्राई किया है। इसे हम एक ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। एक हम डालेंगे टमाटर, 2 टेबलस्पून हम डालेंगे दही, 6-7 हम डाल लेंगे बादाम, आप चाहे काजू डाल सकते हो। इन सबको हम पीस कर एक मसाला बना लेंगे। अब हमने लिया एक कढ़ाई, इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा तेल 1 टेबलस्पून, और 1 टेबलस्पून हम डालेंगे मक्खन। इसे हम गर्म होने देंगे। इसमें हम डालेंगे खड़े मसाले, 1 तेज़पत्ता, 1 छोटी इलायची, 2 लौंग और छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का। 1 चम्मच हम डाल लेंगे जीरा। हम इसमें डाल लेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला और 1/2 चम्मच भुना जीरा पाउडर। और इसमें हम अपने जो हमने मसाला बनाया है फ्राइड अनियन का, उसे डाल लेंगे। मिक्सी के जग को धोकर भी हम इसका सारा मसाला डाल देंगे। इसमें हम डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार। और इन्हें हम तेल फूटने तक भून लेंगे। आप काजू मसाला मक्खनी ग्रेवी में भी बना सकते हो, वाइट ग्रेवी में भी बना सकते हो, या यूजुअल ब्राउन ग्रेवी में भी बना सकते हो। और इसकी ग्रेवी में आप टमाटर छोड़कर अकेला दही भी डाल सकते हो, या दही को भी स्किप कर सकते हो, फिर टमाटर ज़्यादा डाल सकते हो। इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून अमूल फ्रेश क्रीम, आप घर की मलाई भी डाल सकते हो। हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह से भून चुका है, इसने तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, जितनी थिक आप ग्रेवी रखना चाहते हो। ये मैंने ली हैं 100 ग्राम रोस्टेड काजू, आप फ्राई करके भी ले सकते हो, इसे भी हम इसमें डाल देंगे। हमारी काजू ग्रेवी बनके तैयार है। आप भी इसे ट्राई कीजिए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए।